हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ एक हाउस प्लान डिस्कस कर रहा हूँ जिसका प्लॉट का साइज है 37 बाई 70 स्क्वायर फीट। इस प्लॉट की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है। और इस प्लॉट के अंदर एक्चुअली जो साउथ डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन में 5 फीट के आसपास जो है स्पेस छोड़ा हुआ है। ईस्ट एंड वेस्ट जो डायरेक्शन है उसमें 2 फीट छोड़ा हुआ है, और फ्रंट जो कि नॉर्थ है वहाँ वो अप्रोक्सीमेटली 15 फीट है। इस प्लान के अंदर जो भी डायमेंशंस यूज की हैं वो अप्रोक्सीमेट डायमेंशन है, एग्जैक्ट डायमेंशन नहीं है। उसका रीजन ये है कि जो यहाँ बाउंड्री वॉल है वो बाउंड्री वॉल की जो थिकनेस है वो अभी मेंशन नहीं की है कि वो 9 इंच की होंगी या 4.5 इंचेस की होंगी, राइट? दूसरा पॉइंट कि जो मिडिल वॉल है वो 9 इंच की रखना है या 4.5 की रखना है। तो ये आप ध्यान रखिए कि ये जो प्लान है अभी फाइनल प्लान नहीं है और ये टेंटेटिव प्लान है, अभी प्रैक्टिकल अप्रोच पेंडिंग है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। सो जो डायमेंशंस हैं वो अप्रोक्सीमेट डायमेंशंस हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट यहाँ पूजा रूम है, 3 बेडरूम्स हैं, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, लिविंग रूम, किचन विद डाइनिंग है एक्चुअली, और पार्किंग है, एंड सेकंड फ्लोर जो है वो टेनेंट के लिए है। तो राइट, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ जो है पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है वो डायमेंशंस का है। डायमेंशंस अभी फाइनल नहीं है, तो यू पीपल जस्ट डोंट कंसिडर दिस एज ए फाइनल प्लान, बिकॉज आई एम नॉट श्योर दैट जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी वो पिलर बेस्ड स्ट्रक्चर है या ब्रिक्स वॉल है, राइट? बट टेंटेटिव प्लान है, दैट कैन बी चेंज स्लाइटली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप उसको चेंज कर सकते हैं जो प्लान को, और उसमें जो जहाँ ऑप्शनल चीज़ है वहाँ से वो हट सकती है, राइट? सो ये पॉइंट यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है बिफोर यू कंसिडर दिस प्लान। और एक्चुअली ये जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो प्लान उस पर डिपेंड करता है। यहाँ जस्ट आई हैव कंसिडर द डायमेंशंस एंड ऑन दैट बेसिस ड्रा द प्लान। एंड अगेन आई टोल्ड यू टेल यू दैट दिस जो डायमेंशन है ये 5 फीट, 2 फीट, 15 फीट, ये अभी स्टैंडर्ड नहीं है अकॉर्डिंग टू द प्लान, राइट? सो जस्ट आप प्लान आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका क्या अफेक्ट है, क्या अदर ऑब्जर्वेशन लाइक दैट। तो यहाँ ये जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ है और ईस्ट डायरेक्शन ये ईस्ट है, और इस साइड आपका ये वेस्ट, ये हुआ नॉर्थ वेस्ट, इधर ये आपका साउथ वेस्ट, ये एग्जैक्ट साउथ, ये साउथ, और ये आपका हुआ साउथ ईस्ट, राइट? सो ये प्लान जो अभी है इसको मैं पहले स्टार्ट करता हूँ मास्टर बेडरूम से। मास्टर बेडरूम की जो डायमेंशन यहाँ कंसिडर की है वो 11 बाई 16 कंसिडर की है। दैट मीन्स कि 11 बाई 16 स्क्वायर फीट का है। 11 एंड 16 जो डायमेंशन है अकॉर्डिंग टू द वास्तु वो ऑस्पिशियस जो डायमेंशंस हैं उनके अंदर उसको कंसीडर करते हैं, राइट? तो ये जैसे कि आपका साउथ वेस्ट जो कॉर्नर है हाउस का, और ये सेगमेंट है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, तो 9 में डिवाइड किया हुआ है ऑलरेडी। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैं ये बता चुका था कि कैसे लंबाई को और चौड़ाई को प्लॉट की 9 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द पद। यहाँ ये जो है आपका
मैपिंग की हुई है ऑलरेडी, तो अप्रोक्सीमेट डायमेंशन मैं लेके चल रहा हूँ जैसे कि आपको बताया हुआ है। तो 11x16 का ये मास्टर बेडरूम है और इसकी ये एंट्री यहाँ पर दी है, और एंट्री आप ये गेट जो है आप 3.5 फीट से लेके 4 फीट तक का आप कंसिडर कर सकते हैं, और इसके फ्रंट में ये यहाँ विंडो है तो वेंटिलेशन रहे एयर का और लाइट प्रॉपर रहे। एक छोटा विंडो इस साइड में आप कंसिडर कर सकते हैं। साउथ वेस्ट में एग्जैक्टली आप कोई विंडो ना दें तो बेटर होगा, क्योंकि वो इवनिंग का रेडिएशन है फिर उसके थ्रू एंटर करेगा, एंड दैट इज नॉट सपोज टू गुड टू एंटर इन द हाउस, राइट। सेकंड जो यहाँ पॉइंट है दैट इज अबाउट टू द बाथरूम। यहाँ जो बाथरूम टॉयलेट है वो इस रूम के साथ में अटैच है, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे तो ये गेट यहाँ इस डायरेक्शन में दिया है, एक्चुअली कॉर्नर में दिया है इस रूम के। वो एक रीजन पर्सनली विच आई थिंक कि भाई अगर मैं इस गेट को यहाँ इस डोर के पास दूंगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा, राइट। अगर यहाँ सेंटर में दूंगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा, और इसकी जो डायमेंशन है वो अभी अप्रोक्सीमेटली 8x5 के हैं, लेकिन ये 8x5 अप्रोक्सीमेट है, इससे ये थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ अभी मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि इन दीवार की जो विड्थ है ठीक है कि वो 4.5 इंच है या 9 इंच है उसको नहीं कंसिडर किया है, राइट। तो अभी ये अप्रोक्सीमेट है, टेंटेटिव है, तो लेकिन लंबाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी प्लॉट की लंबाई में, चौड़ाई में प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि अभी जब ये माइन्यूट कैलकुलेशन करते हैं तब वो सारा क्लियर होगा कि यहाँ जो आउटर बाउंड्री है वो आपकी 9 इंच की है, मतलब कि या 4.5 इंच की है, राइट। तो ये चीज़ है। फिर ये जो मेन वॉल है आपकी हाउस की, ये आप पिलर बेस लेके चले हैं तो ऑब्वियस है कि 4.5 की होगी, अगर आपको 9 का रखना है तो आप 9 का भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद में ये सेकंड वॉल होगी, ये भी 9 इंच की होगा मोस्ट प्रोबेबली, या अगर यहाँ पिलर बेस स्ट्रक्चर लग रहे हैं तो फिर 4.5 का हो जाएगा। तो अभी ये चीज़ कंफर्म नहीं है, अगर जैसे ये कंफर्म होगा तो फिर ये जो ऑप्शनल चीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा रखी हुई है स्टेयर्स का, फिर ये यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, राइट। लेकिन अभी यहाँ ऑप्शन दिया है कि अगर आप यहाँ टॉयलेट बाथरूम भी रख सकते हैं और स्टेयर भी रख सकते हैं, तो ये दो चीज़ यहाँ पॉसिबल हैं, तो साथ में रख लिया है। कंफ्यूज ना हो तो आप इनमें से कोई एक भी रख सकते हैं, तब ये बाथरूम आप इस साइड में लेके जा सकते हैं वेस्ट डायरेक्शन में, और तब थोड़ा सा प्लान चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये रहा आपका मास्टर बेडरूम जिसकी डायमेंशन 11x16, वेंटिलेशन के लिए ये विंडोज एंड ए गेट, राइट। और ये आपका इस साइड में बेड और रेस्ट ऑफ दी जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं इन दी हाउस। सो ये एक तो हुआ आपका ये मास्टर बेडरूम, देन आफ्टर ये अटैच बाथरूम, और जैसे ही ये डायमेंशन अगर क्लियर हो जाते हैं वॉल वगैरह का, तब भी फिर ये यहाँ जो स्पेस बचेगा दैट विल नॉट बी सफिशियंट टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेयर्स हियर, राइट। तब यहाँ पे क्या होगा, एक आप गेट स्मॉल गेट या फिर एक विंडो आप यूज कर सकते हैं। साउथ ईस्ट की ये जो डायरेक्शन है यहाँ किचन के लिए बेस्ट है, ये फर्स्ट ऑप्शन किचन के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ जो स्टोव है गैस स्टोव है वो यहाँ ईस्ट डायरेक्शन में रखा हुआ है, तो घर की लेडी जो होगी उसका जो फेस होगा एट द टाइम व्हेन शी विल कुक द फूड देन वो ईस्ट डायरेक्शन में होगा, और ये बेस्ट ऑप्शन है। और इसी के साथ में जो रखा हुआ है ये इस साइड में आपका ये वॉश बेसिन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इसको आप उस तरीके से यूज कर सकते हैं इस डायरेक्शन को। ये थोड़ी एक्सटेंशन होगी आपकी प्लेटफार्म की, जो किचन का प्लेटफार्म है। और साथ में मैं बता दूँ कि इसकी जो डायमेंशन आप देख पा रहे होंगे वो 8x11 स्क्वायर फीट है। तो ये हुआ अबाउट द किचन, और यहाँ क्योंकि ये जो लेंथ है आपकी 11 फीट है, तो आप क्या कर सकते हैं कि ये यहाँ आप 4 फीट या 5 फीट जितना भी आपको ठीक लगे आप एक्सटेंशन दे सकते हैं, और इस साइड में आपका फ्रिज आ जाएगा, राइट। या फ्रिज आप इस साइड में रखना चाहें तो आप इस साइड में फ्रिज रख सकते हैं, जैसे भी आपको सूट करता है, राइट।
तो यहाँ एक पॉसिबिलिटी आर्क की है कि गेट की जो एंट्री है नॉर्मल एंट्री भी हो सकती है और नॉर्मल गेट भी आप यहाँ लगा सकते हैं, डोर जो लगा सकते हैं इस किचन को, और ओपन भी रख सकते हैं, ओपन इन द आर्क की फॉर्म में। ये जो एरिया है ये डाइनिंग एरिया है और यहाँ आप इसकी डाइनिंग टेबल को यूज कर सकते हैं। एन ऑफ स्पेस है ये अप्रोक्सीमेटली 8 फीट के आसपास होगा, तो वो अगर यहाँ 16 है इतना पूरा, ये इसी के सीर में मैंने लिया है, तो ये 8 और 8 करके, तो इस तरीके से ये 16 होगा। तो 8x11 का ये आपका डाइनिंग हॉल है। यहाँ आप एक विंडो दे सकते हैं, राइट, और इधर एक सिंक या मिरर वगैरह यूज कर सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे उसके अकॉर्डिंग। तो ये पूरी वॉल आपको मिलती है, यहाँ कुछ सेक्शन आपको मिलेगा, अगर आप फ्रिज रखते हैं तो फिर नहीं मिल पाएगा, लेकिन आप एक अलमीरा वगैरह क्रिएट कर सकते हैं फॉर दी किचन पर्पज, विंडो ओपन रख सकते हैं। ड्रेनेज के लिए एक्चुअली ये इस साइड में ईस्ट डायरेक्शन को फ्लो दिया है, तो जो भी किचन का ड्रेनेज है वो ईस्ट डायरेक्शन में आएगा। तो ये हुआ आपका मास्टर बेडरूम, उसके साथ में जो एक टॉयलेट है उसकी डायमेंशन और उसकी डायरेक्शन, और ये किचन, किचन के साथ में आपका जो गैस स्टोव है और जो आपका वॉश बेसिन है वो कहाँ होगा, उसकी डायरेक्शन, और जो आपके जो भी हैवी मटेरियल हैं, आप समझे कि जो भी अनाज दाल इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं, तो आप उनको यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। ओवन की डायरेक्शन ये रहेगी, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप ओवन रख सकते हैं यहाँ, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ जो मैं अभी बाथरूम की बात कर रहा था, तो ये सीट जो है इसका फेस जो है यहाँ ये साउथ डायरेक्शन को रखा है। तो दो पॉसिबिलिटी होती हैं जब हम ये सीट वगैरह यूज करते हैं WC, तो उसकी डायरेक्शन, फेस की जो डायरेक्शन हो एट द टाइम, वो या तो नॉर्थ हो या साउथ हो। तो ऐसे ही अगर आपको यूरिनल यूज करना है तो उसकी फेस की डायरेक्शन आपकी या तो साउथ हो या नॉर्थ हो। तो ये सीट एक्चुअली डोर के सामने यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि ये फेस जो आपका हो व्हेन यू सीट ऑन इट, तो वो नॉर्थ या साउथ हो। यहाँ ये सिंक यूज किया है और एक मिरर नॉर्थ वॉल पे यूज किया है। वाटर टैप इस साइड में है कि जब भी बात करें आप लें, तो वो फेस आपका या तो ईस्ट डायरेक्शन में रहे या फिर आपका नॉर्थ डायरेक्शन में रहे। इसी के साथ में एक छोटा स्पेस यहाँ 5x2.5 का एक स्टोरेज दिया है, और इसकी जो आप इसको एज ए शोकेस भी कंसीडर कर सकते हैं। और ये जो है इसकी जो विंडो होगी या जो गेट होगा, डोर होगा, आप जैसे भी इसको चाहे यूज कर सकते हैं, तो वो एक्सटर्नल है, वो इंटरनल नहीं है, राइट। और अभी स्टेयर्स जो हैं वो ऑप्शनल हैं, वो इस केस में नहीं कंसीडर है, राइट। तो ये एक्चुअली मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, क्योंकि वो जो डायमेंशंस हैं ऑफ द वॉल वो अभी कंसीडर नहीं की हैं कि क्या है, पिलर बेस है या किस तरीके से है, आउटर बाउंड्री को किस तरीके से रखा हुआ है, तो वहाँ एक वो पॉइंट है। लेकिन जो डायमेंशंस हैं वो डायमेंशन उतना ही रहेगा 8 और 11 का और 16 का सभी रूम्स के लिए, राइट। अब ये आपका यहाँ जो इस वॉल है, ये सेकंड रूम है, और ये इसकी जो डायमेंशंस हैं वो डायमेंशन है 11x16, राइट। तो ये 11x16 स्क्वायर फुट का दूसरा रूम है, ये एक्चुअली चिल्ड्रंस के लिए यूज होगा, और इसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन ईस्ट है। स्टडी रूम और वट एवर जो भी पर्पज, जिस पर्पज के लिए वो यूज करें, तो 11x16 के लिए ये सफिशियंट है। तो इसमें दो गेट की प्रोविजन यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक गेट ये है और दूसरा गेट ये है, और इन दोनों गेट के सामने ये दो विंडो है, एक विंडो ये और एक विंडो ये, राइट। स्पेस जब भी बच्चे का होगा स्टडी के टाइम, तो वो या तो ईस्ट डायरेक्शन में हो या फिर वो नॉर्थ डायरेक्शन में हो। बुक जो सेल्फ है वो आप इधर यूज कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा आप प्लानिंग कर लीजिए जब भी आप करें। और
ये जो वॉल है और इधर जो ये किचन की वॉल थी इस पॉइंट पे, तो यहाँ भी एक आर्क की पॉसिबिलिटी है। अगर आप सर्कुलर, एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन दैट व्हाट टाइप ऑफ फ्रंट एलिवेशन यू आर गिविंग। अगर आपके आउटर में जो है वो सर्कुलर फ्रंट एलिवेशन है, तो इंटरनल जो होगा वो ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगा। राइट, मेरी बात समझे आप, कि आपका जो एलिवेशन है, फ्रंट एलिवेशन है, उसमें कहीं सर्कुलर पार्ट है, तो ये वहां पे इंक्लूड हो जाएगा। ये क्या उठा के ले जा रही है? राइट, तो यहाँ ये जो आर्क है, और इस आर्क को आप दे सकते हो, और इट विल अट्रैक्ट बेसिकली, फिर उसके बाद आपके जो कर्टेन जिस टाइप के हैं, तो एक सेपरेट सेगमेंट हो जाएगा आपका किचन का। दूसरा, हाउस वाइफ के लिए ये होगा, इजी होगा टू अप्रोच दी मास्टर बेडरूम। राइट, सो ये चिल्ड्रन रूम है इस साइड में, इस डायरेक्शन का, और उसके बाद में ये स्पेस ओपन है। राइट, तो ये अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 feet हो सकता है। उसके बाद में ये दूसरा मास्टर बेडरूम, सॉरी, ये ओनली बेडरूम है 11 by 11 square feet का। राइट, तो ये आपके पेरेंट्स के लिए यूज हो सकता है। और यहाँ जो ये बाथरूम इसके साथ कनेक्ट किया है, वो 6 by 6 के आसपास है। तो ये जो बाथरूम टॉयलेट है, तो इसकी जो डायमेंशन है वो 6 by 6 के आसपास है। यहाँ सीट जो रखी है वो यहाँ रखा हुआ है, और इसका फेस जो है टूवर्ड्स नॉर्थ है। यहाँ सिंक यूज किया है, या मिरर यूज कर सकते हैं आप। ये वाटर टैप है, और इसका फ्लो इस साइड में है, और आप जब बात लेंगे तो आपका फेस होगा इस साइड को। राइट, इसी के साथ में एक दूसरा बाथरूम टॉयलेट अटैच किया है, जो कि लिविंग रूम के पर्पस के लिए है। अदरवाइज तो डिफिकल्ट होगा, अगर कोई भी लिविंग रूम के लिए है तो वो आपका पर्सनल बाथरूम यूज नहीं कर सकता। तो इसके लिए ये 6 by 5 का सेपरेट बाथरूम टॉयलेट है। यहाँ जो सीट है वो इस तरीके से रखा हुआ है, नॉर्थ फेसिंग, इस कॉर्नर में। यहाँ पे ये आप सिंक यूज कर सकते हैं उसके साथ ये। राइट, तो मिरर वगैरह, यहाँ वाटर टैप का ऑप्शन है ओनली। यहाँ आप सभी ऑप्शन दे सकते हैं, गीजर वगैरह का जो भी, और उसकी कनेक्टिविटी इस साइड में। राइट, आई एम श्योर कि ये कुछ आइडिया आपको दे सकता है, ये जो प्लान है आपके घर की स्ट्रक्चर के लिए। और गेट ये दिया हुआ है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो थर्ड बेडरूम है उसकी एंट्री, उसकी डायमेंशन। और ये आपकी काफी बड़ी लॉबी अवेलेबल है, यहाँ स्पेस अवेलेबल है। राइट, तो इसी के साथ में मैं थोड़ा सा और जल्दी कंप्लीट कर दूं, क्योंकि वीडियो काफी लेंदी हो चुकी है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपका एक्चुअली